ଆଜି ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସଦୈବ ଅଟଳ ସ୍ମାରକୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅସୀମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା, ଅଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କବି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଦଶମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ତିନିଥର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 1924 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। 1998 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏହି ଅନୁଭବୀ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 1996, 1998 1999 ଏବଂ ପରେ 1999 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସଦୈବ ଅଟଳ ସ୍ମାରକୀରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। और अल्प विकास का नामो निशान नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक नागरिक भारत की समृद्धि और प्रगति रूपी फल का रसा स्वादन करेगा। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था, हम एकजुट होकर कार्य करें तो ये स्फूर्तिदायक उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर ही हम सबको प्राप्त हो सकती है। हम सब अब एकजुट होकर कार्य करें तो ये स्फूर्तिदायक उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर ही हम सबको प्राप्त हो सकती है। फिर आगे उन्होंने कहा, क्या ये एक स्वप्न है? जी हाँ। क्या ये एक असंभव स्वप्न है? जी नहीं। इसी आदर्श को न्यू इंडिया आत्मसात किए कर्तव्य पथ पर बढ़ा चले जा रहा है। वो भारतीय राजनीतिक आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र थे, जिनकी ज्योति सद्भाव, प्रेम, स्वदेश भक्ति, निस्वार्थ सेवा की किरणें हमेशा हमें देती रहेंगी। ऐसे विराट पुरुष को देशवासियों का बारंबार नमन। भारतीय संस्कृति के पुरोधा, जिन्होंने अपना सर्वस्व माँ भारती के चरणों में अर्पित किया। जीवन का कण कण भारत माता के श्री चरणों में अर्पित करते रहे श्रद्धेय अटल जी। उनका तो कहना था, भारत तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने भाषण के समापन में अपने गीत की पंक्तियां पढ़ी थीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे चार दशकों से भी अधिक समय तक भारत के संसद के सांसद रहे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की निश्चय बुद्धि थी। वे अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित करते रहे। वे कहते थे, भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गर्व और गौरव का अनुभव करूंगा। उन्होंने कहा कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे,
सर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते। तो प्रधानमंत्री पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज होची 96वां जन्मवार्षिकी एने राजधानी नूआदिल्ली में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जोगदेले तत्सहित आज पूर्वतन प्रधानमंत्री को जन्म जयंती श्रद्धांजलि जनाई गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तत्सहित केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।